पार्टी मैं सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट आज इस 10 मिनट के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अबाउट डिफरेंशिएशन। तो चलो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट सम डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्स्ट देखते हैं हाउ टू डिनोट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स है, जिसमें वाई जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x के ऊपर, और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो y को हम जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। दिस इज, इसे हम डिफरेंशिएशन को ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस में 10 फंक्शंस आते हैं टोटल। 10 के 10 पहले लिख लेंगे सारे। फर्स्ट आता है d by dx x के पावर n, जिसको हम n को पहले नीचे जैसे के जैसे कॉपी करेंगे n, बाद में फिर x और n को वन टाइम सब्ट्रैक्ट करना है n माइनस वन। ये आया फर्स्ट। सेकंड में आता है d by dx ex e की पावर x, जिसमें आए e की पावर x है, इसको जैसे के वैसे आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। थर्ड में देखेंगे d by dx log ex e की पावर x, तो इसमें log ex को चेंज करके लिखेंगे 1 by x से। ये थर्ड। फोर्थ में देखेंगे d by dx cos x। cos को हम कैसे लिखेंगे? cos को हम लिखेंगे माइनस sin x में, माइनस sin x। फिफ्थ में आएगा d by dx sin x। sin x में क्या आएगा? cos x। फिर आएगा सिक्स नंबर, सिक्स में आएगा d by dx tan x। tan x में आएगा sec square x। सेवेंथ में लिखेंगे d by dx sec sec x, sec को लिखेंगे हम sec स्क्वायर x, सॉरी sec मल्टीप्लाइड बाय tan x। उसके बाद देखेंगे एट्थ। d by dx cot x equals to cos sec स्क्वायर x। बात नाइन्थ देखेंगे, नाइन्थ आएगा d by dx cos x स्क्वायर x, सॉरी cos x sec x, जो आएगा cos x मल्टीप्लाइड बाय cot x। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट था हमारा x की पावर n, जिसको डिनोट करते हैं nx की पावर n माइनस वन। d by dx x की पावर n, जिसको डिनोट करते हैं nx n माइनस वन पावर। तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे होगा d by dx, एग्जाम्पल लेंगे 3 की पावर, सॉरी x की पावर 3, जिसमें हम लिखेंगे 3, पहले क्या किया है n को जैसे कि नीचे कॉपी किया, तो 3 को नीचे कॉपी करेंगे, इंस्टेड ऑफ n आपने 3 लिया है,
तो थ्री को नीचे कॉपी करेंगे, बाद में फिर एक्स, थ्री यहाँ पे एन माइनस वन किया है तो यहाँ पे थ्री है तो थ्री माइनस वन करेंगे तो नीचे आंसर आएगा थ्री एक्स पावर में टू। तो इसमें अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो वो है अंडर रूट में, अंडर रूट में अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो वन बाय टू होती है। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट में अगर एग्जाम्पल लेंगे तो डी बाय डी एक्स अंडर रूट, सेम एग्जाम्पल लेंगे x की पावर 3 जिसमें आएगा अंडर रूट की वैल्यू बताइए 1 बाई टू, तो ब्रैकेट में x की पावर 3 लिखना और ब्रैकेट के बाहर 1 बाई टू करना, बाद में फिर ये 3 और 1 बाई टू को मल्टीप्लाई करना, x की पावर मल्टीप्लाई किया तो 3 बाई टू आया, जिसमें नीचे ये 3 बाई टू पहले कॉपी करना है नीचे 3 बाई टू एक्स, तो ऊपर फिर सब्ट्रैक्ट करना है 1 से 3 बाई टू माइनस वन, तो नीचे आएगा 3 बाय टू एक्स की पावर 1 बाई टू। और ऐसे ही अगर हमने और 9 देखे थे फंक्शंस, तो 9 फंक्शंस के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम डी बाई डी एक्स 3 टैन एक्स, तो टैन को हमने कैसे डिनोट किया था फंक्शंस में, टैन को किया था sec square x से, तो 3 वैसे का वैसा इट्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को जैसे का वैसे लिखेंगे 3 और टैन को हम कन्वर्ट करेंगे sec square x में। वैसे ही अगर कोई भी अगर 9 फंक्शंस में से कोई भी अगर इसके बाद कांस्टेंट के बाद फंक्शन आता है तो उसको चेंज करके उसका जो फॉर्मूला बताया फंक्शन में तो वो वैसे का वैसे कॉपी करना है। जैसे देखेंगे हम डी बाय डी एक्स 5 इस बार रहते हैं cos x और 5 है 5 ब्रैकेट में लिखना माइनस साइन एक्स, तो ये जो साइन है वो बाहर जाएगा यानी नीचे आएगा माइनस 5 साइन एक्स। थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।